राज्य में यूनिक आईडी के अंतर्गत 12 अंकों पर आधारित आधार परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। झारखंड देश के उन राज्यों में शामिल है जहां 70% से भी अधिक आबादी को आधार परियोजना से जोड़ दिया गया है। पिछले दिनों राजधानी रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आयोजित कर आधार पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया। श्री सोरेन ने जोर देकर कहा कि इस योजना को सही तरीके से लागू करने पर सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रमों का लाभ सही व्यक्तियों तक पहुंचाया जा सकेगा। इस बीच हमारे संवाददाता ने आधार परियोजना की प्रगति के बारे में राज्य के मुख्य सचिव आरएस शर्मा के साथ बातचीत की। क्या आधार का जो सार्वभौमीकरण, मतलब अधिक से अधिक आबादी तक आधार की सुविधा को उपलब्ध कराना, एक बड़ी चुनौती है। और जितनी भी, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं हों या अन्य, वो कैसे हम आम लोगों तक पहुंचाएं? पूरे देश में करीब 100 जिले हैं इस तरह के, तो हमारा शेयर काफी अच्छा है उसमें। जहां तक आधार में नामांकन की प्रगति का प्रश्न है, तो करीब 70% से अधिक लोग को यहाँ आधार मिल चुका है। बाकी भी हम लोग प्रक्रिया तेज कर रहे हैं, क्योंकि आधार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म जो बहुत सारी सर्विसेज की एक्सेस को बहुत सरल बना देता है। आधार के आधार पर आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, आधार के आधार पर आप टेलीफोन कनेक्शन ले सकते हैं, पासपोर्ट ले सकते हैं, तो बहुत सारी सुविधाओं को एक्सेसिबल बनाता है। इधर रांची जिले में भी आधार संख्या सभी नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए समुचित कदम उठाए गए हैं। जिले के उपायुक्त विनय कुमार चौबे ने बताया कि आधार की सहायता से भुगतान की व्यवस्था पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कर दी गई है। उपायुक्त ने बताया कि इससे जहां एक ओर भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकती है, वहीं सामाजिक सुरक्षा से संबंधित राशि का भी समुचित भुगतान संभव हो पाया है। और इसी क्रम में जो इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो नरेगा में हम लोगों ने लागू किया है, जिससे न केवल पारदर्शिता आती है बल्कि हम लोग एक एक मजदूर के मजदूरी भुगतान को जब चाहे हम लोग देख सकते हैं, कब हुआ भुगतान, किस दिन हुआ, किस दिन उसने घुसके उसको अपने अकाउंट से निकाला, ये सारी प्रक्रिया शुरू से लेकर अंत तक हम लोगों ने जो कंप्यूटराइज कर दिया है, उससे मजदूरों को भी सुविधा आने वाले दिनों में होगी और हमें भी ट्रैक करने में आसानी होगी। राज्य के अन्य जिलों में भी आधार कार्ड के निर्माण में तेजी आई है। हजारीबाग के उपायुक्त ने बताया कि विभिन्न विकास योजनाओं से आधार कार्ड को जोड़ा जा रहा है, इससे लोगों में काफी उत्साह है और विकास योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन पर भी असर पड़ा है। आधार कार्ड से लाभुकों को यह होगा कि जो जेन्युइन लाभुक हैं उनको ही बेनिफिट मिलेगा। जैसे किरोसिन ऑयल का हम लोग मतलब जितना चाह रहे हैं कि 1 अक्टूबर से हम लोग जो उसको करना है कि जो किरोसिन ऑयल की सब्सिडी है वो डायरेक्टली उसके अकाउंट पे, बेनिफिशियरी के अकाउंट पे जाए, और जो किरोसिन ऑयल का रेट होगा वो ओपन मार्केट रेट होगा। इसी प्रकार जो एलपीजी सिलेंडर है उसका जो रेट होगा वो भी ओपन मार्केट रेट होगा, लेकिन उसकी सब्सिडी लाभुक के अकाउंट पे जाएगी। तो ये लगभग 4 लाख के आसपास हमारे जिले में लाभुक हैं जो क्रॉसिंग आयल एपीएल और बीपीएल दोनों मिलाकर लेते हैं। पूरे जिले में आधार कार्ड अगर हम देखें तो लगभग हम लोग की 17 लाख के आसपास पॉपुलेशन है और उस पर तकरीब 89 या 88% के आसपास हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट टाइम 83% था, लेकिन हम लोगों ने अभी कम कैंप और करवाए हैं, तो लगभग 88% के आसपास आधार कार्ड लोगों के बन चुके हैं। इसके अलावा मनरेगा का जो है, मनरेगा का सीडिंग करवा रहे हैं हम लोग, जो अकाउंट नंबर है उसको आधार नंबर के साथ सीडिंग करवा रहे हैं। तो इससे ये हो रहा है कि जो जेन्युइन लोग हैं, जो मतलब जिसने रियली काम किया है और जो जेन्युइन लोग हैं जिनका अकाउंट जेन्युइन है, वही व्यक्ति इसका लाभ ले सके। उधर पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अबू बकर सिद्दीक ने बताया कि जिले में आधार कार्ड अधिक से अधिक नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। पहले हम लोग यहाँ पे जो नगद भुगतान होता था, अब इसके पहले जो योजना सब चलता था सुनिश्चित गारंटी योजना हो या जौहर, ये सब जो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो भी प्रोग्राम चलता था वो सब में नगद भुगतान होता था। तो लोगों को, यहाँ का लोग तो गरीब लोग हैं, तो काम किया पैसा मिला आदि हैप्पी, लेकिन उसमें लीकेज का संभावना ज़्यादा रहता था। तो उस लीकेज जिसको रोकने के लिए एनआरजी में बताया गया जो भी भुगतान होगा वो ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया में होगा, अकाउंट्स के माध्यम से होगा, ताकि बीच में कोई मजदूर का हक नहीं मारा जाए, कटा जाए। उसमें बहुत सारा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, हमारा
ग्रामीण विकास के साथ साथ पोस्ट ऑफिस इन्वॉल्व है, बैंक इन्वॉल्व है, रिकॉर्ड वर्क्स इन्वॉल्व है। आधार कार्ड की सहायता से विद्यार्थियों, विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। इससे विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। पहले हाथ में नगद मिलता था, अब स्कॉलरशिप बैंक में आ जाता, उसे मिल जाता है आधार कार्ड के माध्यम से। हमको आधार कार्ड का नंबर मिला है, जो हम उससे अकाउंट नंबर खोल पाए हैं, उसमें हम मतलब पैसा हमको सरकार साइड से मिला है, उसमें मेरा अकाउंट में जो रखा हुआ है, हमें सरकार तरफ से अकाउंट नंबर मिला है, उसे हम पैसा निकाल सकते हैं जब चाहे तब, और उसे हम अपने पढ़ाई में भी खर्च कर सकते हैं और अन्य काम में भी खर्च कर सकते हैं उस पैसे को हम। और आधार कार्ड आ गया है तो हमारे जीवन का अन्य कारण से फायदा हुआ है हमें। सरकार हमें आधार नंबर दिए है, उससे हमारे अकाउंट नंबर खुल गया है, और अकाउंट नंबर में जो हमारे स्कॉलरशिप पैसा आया है वो डायरेक्ट आधार नंबर में अकाउंट नंबर में गया है। विभिन्न जिलों में आधार कार्ड की सहायता से भुगतान पर सकारात्मक प्रतिक्रिया हुई है। लोगों का मानना है कि इससे भुगतान की प्रक्रिया आसान हुई है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लग पाया है। स्टाइपेंड जितना मिलता है बच्चों को सब आधार कार्ड के द्वारा ही उनको सब उपलब्ध। कई सरकारी योजनाएं हैं वो सब इनके माध्यम से होगा, और जैसे पेंशन, जैसे वृद्धा पेंशन, कितने भी पेंशन है सब आधार कार्ड के द्वारा ही हमारे खाते में आ जाएगा। राज्य के कई इलाकों में मनरेगा योजना के अंतर्गत भी आधार कार्ड का उपयोग किया जा रहा है। मनरेगा कार्यक्रम से जोड़ने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों में आत्मविश्वास बढ़ा है और इससे पलायन पर भी अंकुश लग पाया है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आधार के सफल कार्यान्वयन के कारण मनरेगा योजना पर सकारात्मक असर पड़ा है। संदेह नहीं कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं और राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं के तहत भुगतान प्रक्रिया को वैज्ञानिक रूप देने और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने में आधार परियोजना सफल साबित होगी। नीरज पाठक, दूरदर्शन समाचार, रांची।